ये फराह खान ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर, क्या पाकिस्तान की फ़ौज में दाढ़ी पर कोई पाबंदी है ऑफिसर या सोल्जर के लिए? वाजे कर दें, क्योंकि दहशतगर्दों की भी दाढ़ी होती है। फ़ौज में दाढ़ी पर पाबंदी नहीं है, बहुत सारे फ़ौजियों ने दाढ़ी। आज एक ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे जामेतुर रशीद में, दाढ़ी है माशाल्लाह, ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर है। अलबत्त फ़ौज में बाज़ ऑफिसर होते हैं खरदिमाग, मज़हब के दुश्मन, वो फिर अपने जूनियर को दाढ़ी रखने नहीं देते। फ़ौज का कानून नहीं है ये, मगर फ़ौज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो जो बुरे लोग हैं वो फिर तंग करते हैं जूनियर को। हनफिया में असर की का इब्तदाई वक्त इसमें से कौन सा है? भाई वो तो हर जगह के लिहाज से अलग है। अबू सुफियान कह रहे हैं, हामिद मीर सक्कर से पूछ रहे हैं कि गुसल खाने में पेशाब करना कैसा है? बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। क्या हसन अफजल साहब कहते हैं कि क्या मुफ्ती साहब, क्या एक गैर शादीशुदा आदमी यूरोप पढ़ाई के लिए जा सकता है जबकि इसे वहाँ अपनी जवानी बचाना मुश्किल हो, इसे फितने में मुब्तला होने का ख़तरा हो? आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं बशर्ते कि आपको गुनाह में पड़ने का ख़तरा ना हो। अगर आपको गुनाह में पड़ने का ख़तरा है तो आप यूरोप नहीं जा सकते, ना पढ़ाई के लिए ना किसी और काम के लिए। शादी करके जाएं फिर ठीक है।